नांदेड हलके पार्लिमान के कांग्रेसी उम्मीदवार वो साबिक वजीर आला अशोक राज चौहान के इंतखाबी तशरी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए रियासत के साबिक वजीर आरिफ नसीम खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और वंचित आघाड़ी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। वंचित आघाड़ी जैसी पार्टी, वो जो लोगों को वंचित करने के लिए, वोटों का बंटवारा करने के लिए खड़ी है, समाजवादी पार्टी, ऐसे लोगों से नांदेड़ के रहवासी हमारे वासिंदे होशियार रहे। नांदेड़ शहर के देगलू नाका इलाके के मिल्लत नगर और बिलाल नगर में उन्होंने तशरी मुहिम से भी खिताब किया। अशोक चौहान जैसा आदमी, उसके सामने इन पार्टियों को उम्मीदवार खड़ा करने की जरूरत क्यों आ गई? अब लोग कहने लगे कुछ तो है जिसकी पर्दादारी, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आखिर वो पर्दा क्या है? पर्दे के पीछे क्या सौदा है? पर्दे के पीछे कौन सी डील हुई? प्रकाश अंबेडकर साहब, आप तो कहते थे कि हम आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। पूरे महाराष्ट्र में देख लीजिए, आपके एक भी एमएलए नहीं है, एक भी एमपी माजी में नहीं है। आप खुद अकोला से चुनाव हार चुके थे, फिर भी अशोक चौहान साहब ने कहा कि हम महाराष्ट्र में वोटों का बंटवारा नहीं होने देंगे, आपको हम 6 लोकसभा की सीट देने के लिए तैयार। आप बताइए, अशोक चौहान साहब का मुआहदा गलत था? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, 6 लोकसभा सीट वंचित आघाड़ी को देने के लिए तैयार हुए, फिर भी साहब नहीं, अब तो हमको 22 सीट चाहिए, नांदेड़ भी हमको दे दो, औरंगाबाद भी हमको दे दो, बंबई भी दे दो, सोलापुर भी दे दो, कोल्हापुर भी दे दो, सब इन्हीं को दे दो, तो हम लोग क्या चल के उनके लिए प्रचार करें? अब हमारे लिए यही बचा है भी। और उसके बाद आप क्या करेंगे? जो पिछले 20-25 सालों में आपका इतिहास रहा है, तारीख रही है, कि जब भी इस तरह का मौका आता है फिरका प्रस्ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, तब आपका रास्ता कुछ और दिखाई देता है। ये सारी चीजें आप लोगों को समझना होगा।